यूपी के बांदा में इंसानियत को शर्मसार कर देने वाला मामला सामने आया है, जहां एक 60 वर्षीय वृद्ध द्वारा 10 वर्षीय मासूम बच्ची को हवस का शिकार बनाया गया है। घटना की जानकारी होते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने बच्ची का मेडिकल कराया और आरोपी को गिरफ्तार कर धारा 376 और पास्को एक्ट के तहत जेल भेज दिया है। दरअसल ये पूरा मामला अंतरा थाना इलाके के एक गांव का है, जहां रोजाना बच्ची अपनी मां के साथ नदी किनारे सब्जी की बाड़ी की रखवाली करने जाती थी। लेकिन मंगलवार के दिन उसकी मां किसी कार्य से गांव से बाहर गई हुई थी और बच्ची अकेले अपनी सब्जी की बाड़ी की रखवाली कर रही थी, तभी अचानक एक वृद्ध युवक ने उसे अपनी हवस का शिकार बना लिया। थाना अतर्रा अंतर्गत एक 60 वर्षीय व्यक्ति द्वारा बच्ची के साथ दुष्कर्म की घटना दायर की गई है। अभियोग पंजीकृत करके अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया गया है। वैज्ञानिक साक्ष्य संकलन की कार्रवाई की जा रही है और अभियुक्त को जेल भेजा गया है। कहाँ से लड़की कहा था और क्या था मामला, कब की घटना थी? ये कल की घटना है और ग्राम पथरा के जो बाड़ी है वहीं पर नदी के बागी नदी के किनारे घटना दायर की गई थी। एसपी लक्ष्मी निवास मिश्र ने बताया कि 60 वर्षीय वृद्ध द्वारा बच्ची के साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया गया है, जिसमें आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जेल भेज दिया है।